मोतिहारी में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला हो गया और इस घटना में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस टीम पर हमला होने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीन हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया। माने गया था उसको जो वादी है जो बना रहा था उसको खाली मात्र बुलाने के लिए गया था, आपको तो दिखाने के लिए गया, वहीं वो नहीं आ रहा था, वहीं में पथराव कर दिया। कितने आदमी था सर? बहुत सारे आदमी था। कितने आदमी आप लोग घायल? बहुत घायल हुआ है, हमको ज़्यादा लग गया है, यहाँ लगा है, पीछे में लगा है, यहाँ भी लगा हुआ था। अपने बड़े पदाधिकारी को सूचना दे दी? हाँ, अपने बड़े पदाधिकारी को सूचना दिए? घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि दरोगा टोला निवासी शंभू प्रसाद की जमीन नंदपुर में है, जहां से कुछ लोग जबरन रास्ता निकाल रहे थे। इसे लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। शनिवार की सुबह शंभू प्रसाद ने फोन करके बताया कि उनकी जमीन पर फिर से सड़क बनाने का काम करवाया जा रहा है, जिसके बाद सीओ ने एक अंचल कर्मी और थाने के चौकीदार को भेजा, लेकिन जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने वालों ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस पर ही पथराव कर दिया गया, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिर थाने से और पुलिसकर्मी पहुंचे और तीन लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूर्व में इसमें एफआईआर भी हुआ था, कुछ लोग अवैध कब्जा करना चाह रहे थे जमीन के, तो इसको रोकने के लिए हमारी टीम गई तो कुछ लोगों ने पथराव किया, जिसमें हमारे दो लोग जख्मी हुए हैं, उन्हें अभी वो सुरक्षित हैं, उन्हें इलाज कराया जा रहा है और त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ अभी शांति बहाल की गई है। वहाँ पर फोर्स प्रतिनियुक्त है, तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वहाँ से, और भी हम लोग प्रयास करेंगे जो भी इसमें संलिप्त है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बताया जा रहा है कि दूसरे की जमीन से जबरन रास्ता निकालने को लेकर काफी पहले से विवाद चला आ रहा है। भू माफियाओं के बढ़ते आतंक के बावजूद शंभू प्रसाद ने इसे लेकर शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन फिर भी भू माफिया बाज नहीं आए और पुलिस की टीम पर ही ईंट पत्थर से हमला कर दिया। पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मोतिहारी से अमरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।